दोस्तों नमस्कार। नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई बेटे? मन लगाकर पढ़ाई करना है, थोड़ी सी और हिम्मत करनी है बेटे, एक स्टेप और आगे बढ़ना है और इस बार झंडे गाड़ के आ जाना बेटे। आओ आओ बेटे, हम थ्योरी का एक लेक्चर और देख लें छोटा सा। बेटे आज हम लेक्चर 15 में आ गए। देखो बेटे किस तरह से हम 15 लेक्चर में आ गए। 15th कमेंट मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं लेक्चर 15 बोल रहा हूं। मैं थ्योरी की सीरीज स्टार्ट कर दी बेटे, धज्जियां उड़ा दूंगा दुनिया की। आप देखते तो जाए, आपका प्यार बस बना रहे बेटे। बेटे कमेंट्स, शॉर्ट नोट्स और बेटे डिफरेंस बिटवीन मेरी ही दिमाग की उपज थी कि मैं आपको बेनिफिट कैसे दूं। आइए आइए बेटे, लेक्चर 15 में मैं आज अभी दिखा रहा हूं। क्वेश्चन 15 हम करेंगे, व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द फाइनेंशियल एंड कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब जिस बच्चे ने मेरे से कोचिंग नहीं ली होगी बेटे, उसको तो ये ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा कि चैप्टर कौन सा है। वो पेपर भी 2-3 बार आ चुका है, न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं बेटे। चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। बेटे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हम पहले प्रोजेक्ट को अप्रेज करते हैं, अप्रेजल करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट से। जैसे आपने सीएस करनी है, सीएमए करना है, सीए करना है, आप उसको अलग अलग पहलू से चेक करते हो कि भाई सीएस बनने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरह का काम मिलेगा, उसमें रेमुनरेशन कितनी होगी, अगर हम सेकेंडरी ऑडिट करेंगे तो क्या होगा। बेटे ये सारी बातों को आप क्या करते हो, पहले एनालाइज करते हो। जैसे रतन टाटा ने बेटे एक गाड़ी बनानी थी नैनो, लख टकिया। तो बेटे लख टकिया बनाने से पहले रतन टाटा ने क्या किया होगा? बेटे प्रोजेक्ट को एनालाइज किया होगा। बेटे नैनो प्रोजेक्ट को एनालाइज किया होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको सपना आया और सुबह चल पड़े कि हम नैनो बनाएंगे 1 लाख की गाड़ी। नहीं बेटे, बेटे प्रोजेक्ट को अलग अलग पहलुओं से एनालाइज किया जाता है कि क्या वो प्रोजेक्ट सच में चल भी पाएगा और क्या उस प्रोजेक्ट को करने के बाद हमें कुछ फाइनेंशियल गेन होगा। तो बेटे एक हम क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं बेटे, और उस प्रोजेक्ट में रिपोर्ट में अलग 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 तरह की चीजों को लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी यहां पर हम लिखेंगे फाइनेंशियल वायबिलिटी, हम देखेंगे फाइनेंशियल वायबल है या नहीं है वो प्रोजेक्ट। बेटे उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी देखेंगे, बेटे उसकी कमर्शियल वायबिलिटी देखेंगे, उसकी टेक्निकल वायबिलिटी देखेंगे, उसकी मार्केटिंग वायबिलिटी देखेंगे। बेटे अलग अलग पहलुओं से हम चेक करेंगे। तो सवाल ये आता है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी में आप क्या क्या चेक करेंगे? बेटे दुनिया पैसे से ही शुरू होती है और पैसे पे जाकर ही खत्म होती है। बेटे फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटे। तो मैं फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे चेक करूंगा? बेटे मुझे पता है कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो
तो जीरो पीरियड में कैश आउटफ्लो होगी और बेटे फ्यूचर पीरियड्स में कैश इनफ्लोज होंगी, कैश इनफ्लो वन, कैश इनफ्लो टू, कैश इनफ्लो फोर। और बेटे इन सभी का मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद मैं चेक करूंगा एनपीवी, मैं इसकी पीआई निकालूंगा बेटे मैं इसका आईआरआर कैलकुलेट करूंगा और इसको कंपेयर करूंगा कि क्या मैं वेटेड कॉस्ट को मीट कर भी पाऊंगा या नहीं। बेटे ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट को उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी से चेक कर रहे हैं कि इसको करने के बाद मेरा ब्रेक इवन कब होगा, मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब आएगा, कितने यूनिट्स बेचूं कि मुझे प्रॉफिट होगा, एनपीवी कितनी होगी। बेटे ये सारा एनालिसिस फाइनेंशियल वायबिलिटी का है। इसमें अलग अलग तरह के टूल्स यूज करते हैं, पे बैक पीरियड याद है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, आरओआई, एनपीवी, पीआई, आईआरआर, बेटे ये सारे टूल्स यूज होते हैं। इसके बाद हम किसी प्रोजेक्ट को कहते हैं कि ये फाइनेंशियल वायबल है। अब बेटे क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, भले आपको पहले भी पता था, एक रिफ्रेश हो गया और अब आप आराम से लिख पाएंगे मुझे मालूम है। तो बेटे मैं अब थोड़ा सा चाहता हूं कि आप मेरे से कमर्शियल वायबिलिटी को समझ लें, फिर मैंने कुछ हिंट्स लिखी हैं, मैं दिखाऊंगा कमर्शियल वायबिलिटी कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं नैनो का, ये कमर्शियली वायबल है या नहीं। इसके लिए मुझे लैंड चाहिए, उसके बाद मुझे मशीन्स लगानी है, फिर मुझे वो लेबरर्स चाहिए, फिर इसके लिए जो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए मुझे अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी चाहिए, जैसे सिंगूर रतन टाटा जी नैनो को बनाने के लिए पहले सिंगूर में गए, वहां लैंड खरीदा, वहां फैक्ट्री बनाई, वहां किसानों को लेबरर्स में रखा, फिर उसके बाद बेटे ममता बनर्जी आ गई एज अ चीफ मिनिस्टर और बेटे वो सारा कमर्शियल वायबल जीरो हो गया। फिर वहां से उठाना पड़ा गुजरात जाना पड़ा, वहां से उठाना पड़ा गुजरात जाना पड़ा। तो बेटे कमर्शियली वायबिलिटी में हम देखते हैं कि क्या वो कमर्शियली चल भी पाएगा, क्या वो मटेरियल मिल भी पाएगा, क्या लेबर मिलेगी, क्या स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। तो इन सब चीजों को जब हम वायबिलिटी के पॉइंट से चेक करते हैं तो इसका नाम है कमर्शियल वायबिलिटी। तो बेटे दो तीन हिंट्स लिखी है, आप प्लीज रजिस्टर खोल लें, मुझे पता है आप रजिस्टर खोल चुके हैं। बेटे प्लीज प्लीज मेरे बेटे आपको ये दो तीन हिंट्स अपने रजिस्टर में लिखनी है, फिर तो बेटे समझ लीजिए 50 कमेंट में ही आपका पेपर हो जाना है। आइए आइए बेटे बेटे ये क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स जून 2014 में आया था टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग फाइनेंशियल एंड कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। लो जी बेटे 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 मैं यहां पर पहले फाइनेंशियल वायबिलिटी की बातें कर रहा हूं, बेटे यहां पर फाइनेंशियल वायबिलिटी लिख रहे, फाइनेंशियल वायबिलिटी। वेदर द प्रोजेक्ट विल जनरेट एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, एनपीवी, रेट ऑफ रिटर्न, क्या सच में वो प्रॉफिट्स जो होंगे वो एक्सेप्टेबल है, मतलब खाली प्रॉफिट के नाम पे धब्बा नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट प्रॉफिट्स होने चाहिए सो दैट आई कैन मीट माय वेटेड कॉस्ट। तो लिखें बेटे प्लीज लिखें, बी पॉइंट लिखें, द प्रोजेक्ट शुड एबल टू फुलफिल The expectations of debenture holders and equity shareholders। बेटे जो लोगों ने पैसे लगाए हैं
उनकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो जानी चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है, नहीं तो नहीं है बेटे, नहीं तो नहीं है। आइए बेटे बी पॉइंट के बाद लिखें सी पॉइंट। तो बेटे फाइनेंशियल वायबिलिटी में हम क्या क्या निकालते हैं, हम ब्रेक इवन लेवल निकालते हैं, हम एनपीवी निकालते हैं, हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालते हैं, हम आईआरआर निकालते हैं, और फिर चेक करते हैं इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी। आपको कसम होगी अगर आपने रजिस्टर में सी पॉइंट नहीं लिखा, कसम है आपको बता रहा हूं, कसम है। और आप ना ढीले होके बैठे हुए, कमर झुका के मत बैठिए, सीधा कीजिए, और लैपटॉप लेट कर पढ़ रहे हैं आप। सी पॉइंट लिखिए, अब आ जाइए कमर्शियल वायबिलिटी में। जैसे मैंने अभी अभी बताया, रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया, आप पेपर में एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट लिखेंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। लिखिए और बेटे ये चीजें मैंने अपनी बुक में भी दी हुई है, अभी देख लेते हैं मैंने कहां लिखी है। ये तो मेरा प्यार है जो मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, आप देखिए ये मैंने अपनी बुक में भी दी है। तो ये बुक है 2, ठीक है जी, निकालिए कैपिटल बजटिंग का चैप्टर निकालिए। लो बेटे, बेटे पेज नंबर 48 निकाल लो, ये सारी बातें मैंने आपको पहले से ही दी हुई हैं। 48, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हाइल अप्रेजिंग द प्रोजेक्ट। तो आप कोई भी अप्रेज करेगा, स्टेप्स तो वही होंगे, कोई ऐसा थोड़ी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई नया ही स्टेप लेता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए, फिर बेटे 6th, ये देखिए टेक्निकल फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कमर्शियल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन 6th, व्हाट आर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकली कैसे आप चेक करेंगे किसी प्रोजेक्ट को, क्वेश्चन 6th में लिखा है, लंदन ड्रीम्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। और बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल अप्रेजिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक बच्चे को बुक ही नहीं मिली, उसके थप्पड़ मारने वाला हूं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक 2, जिसमें कैपिटल बजटिंग दिया है, जिसमें थ्योरी के क्वेश्चन आंसर दिए थे, बेटे उसको निकालिए। पेज 48, 49, 50, बेटे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हिंट्स बता दिए, और अब भी ये बता दिया कि मैंने बुक में इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन कहां लिखी। ईमानदारी से अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगे और इसको देखेंगे तो आपके थ्योरी में अच्छे नंबर आएंगे। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। आज की शब्द है बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।